नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। गोरखपुर में खोराबाद थाना क्षेत्र में छितौना गांव पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। इलाके में बढ़ते अपराधों के चलते पंचायत ने यह फैसला लिया है ताकि इलाके में हो रहे आपराधिक मामलों पर नजर रखी जा सके। जिला और घर पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी दिनेश यादव ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद से इलाके में छेड़छाड़ और चोरी के मामलों में कमी आई है। बाराबंकी में 25 वर्षीय विवाहिता युवती की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने रेलवे लाइन के पास हत्या कर चाकू और शव फेंक दिया। लोगों ने युवती की रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसौली थाना क्षेत्र के रफीनगर रेलवे स्टेशन की पूरी घटना है। पीलीभीत में आगामी पंचायत चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर ब्लॉक का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। नामांकन पत्रों की बिक्री को लेकर डीएम ने यह औचक निरीक्षण किया था। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए। कानपुर में बैंक कर्मचारी ने बैंक की छत से छलांग लगाई, जिसके बाद गंभीर हालत में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंद नगर चावला मार्केट स्थित SBI शाखा का यह पूरा मामला है। ललितपुर में सैकड़ों एकड़ की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और सूचना के 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सदर कोतवाली के चंदेरा मौजा का यह मामला है। ललितपुर में थाना पुराकाल क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बंदूकों की खेप पकड़ी है। पुलिस टीम ने अवैध शस्त्रों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 10 बंदूकों के साथ 4 सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अमरोहा के शुभम गिल ने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। दिल्ली में आयोजित मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप में उनका 3रा स्थान आया है। बता दें, 25 नवंबर को वर्ल्ड चैंपियनशिप में शुभम हिस्सा लेंगे, जो मॉरिशस में आयोजित की जाएगी। अमरोहा के गांव मकनपुर में रहते हैं शुभम गिल। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक ताल बेहट और आबकारी निरीक्षक द्वारा मैं हम राही पुलिस बल के उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी के साथ कबूतरा डेरा टकटी और कबूतरा डेरा गणेशपुरा में संयुक्त रूप से दबिश दी गई। दबिश के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से निशानदेही पर 1150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। साथ ही भट्टी को भी कब्जे में लिया गया। जिस शादी में DJ बैंड बाजा बजेगा और फिजूल खर्ची होगी, उस शादी में अब उलेमा शामिल नहीं होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यक्रम में बकायदा इसकी शपथ ली गई। कार्यक्रम में सभी उलेमाओं ने शपथ ली कि जिस शादी में DJ बैंड बाजा बजेगा और नाच गाना होगा, वहां शिरकत नहीं की जाएगी। बारात की रस्म को खत्म की जाएगी और मस्जिद में सादगी के साथ निकाह किया जाएगा। बाराबंकी में पुलिस ने अवैध शस्त्र की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। सतरिक और रामनेही घाट पुलिस ने अलग अलग 2 जगहों पर सशस्त्र फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्जे से बने और अधबने शस्त्र और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। नशा तस्करों के विरुद्ध सिंगरौली जिले की कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में आज कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर करीब 2 लाख रुपए की कीमती 18 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यूपी की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।